वहीं आज की बात करें तो आज देख रहे हैं कि कॉटन में हल्की सी मुनाफा वसूली बनी है 0.25% की। कल को हमने कॉटन को 46,600 तक ट्रेड करते देखा था और आज देख रहे हैं कि 46,190 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। कॉटन में कुल मिलाकर अभी भी देख रहे हैं कि तेज़ी का ही रुझान है। जानकारों के मुताबिक कॉटन में ऊपरी स्तर से करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, लेकिन कॉटन में इसका विपरीत ट्रेड देखने को मिला। कॉटन में गिरावट की वजह यहाँ पर तेज़ी बनती नज़र आई। अब तेज़ी के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तेज़ी ऊपरी स्तर से क्यों बनी, मुनाफा वसूली बननी चाहिए थी जबकि, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये थी कि कॉटन की जो अराइवल्स है मंडियों में अब वो थोड़ी कम हो गई है। दूसरा कि जो डिमांड है अच्छी खासी बनी हुई है। अक्टूबर कॉटन की जो सोइंग है ठीक ठाक चल रही है। इस बार सोइंग पहले भी वक्त से पहले ही शुरू कर दी गई है और मार्केट में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार कॉटन का जो रकबा है उसमें ज़ोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तेल तिलहन और कॉटन के जो रकबा है, कॉटन के रकबे में कंपटीशन देखने को मिल सकता है, एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। क्योंकि तिलहन हो या फिर कॉटन हो, कपास हो, दोनों ही ऐसी फसल हैं जिनमें लगातार 2 साल से जो दाम है अच्छे खासे देखने को मिले हैं। तिलहन के मुकाबले कॉटन में जो दाम है वो 2 गुना देखने को मिले। 2021 में जो कॉटन 6,000, 7,000 या मैक्सिमम 8,000 तक थी, अब वो इस समय मार्केट में मंडियों में 12,000, 13,000 तक जाती नज़र आई। तो किसानों ने इस बार ठाना है कि कॉटन की जो बुआई है यानी कपास की जो बुआई है उसका रकबा बढ़ाएंगे, कपास की बुआई बाकी फसल के मुकाबले ज़्यादा करेंगे। तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बाकी फसलों का जो रकबा है वो घटता नज़र आएगा और कॉटन का रकबा बढ़ता नज़र आएगा। अभी इसमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। अब जैसे जैसे बुआई होती रहेगी उत्पादन के आंकड़े आते रहेंगे, क्योंकि कॉटन का जो नया माल आएगा मंडियों में वो अक्टूबर नवंबर तक आ पाएगा। बाकी जब नए आंकड़े जारी होंगे वो भी आपके साथ साझा किए जाएंगे और तभी पूरी क्लियरिटी हो पाएगी कि कॉटन के अगर रकबे में वो बढ़ोतरी हुई है तो वो कितनी हुई है। दूसरा एक मानसून फैक्टर भी है जो काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि 2021 में कॉटन की जो फसल थी वो बेमौसम बरसात के चलते बहुत ही बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई थी। और फिर जब बारिश ख़त्म हुई थी, मौसम थोड़ा खुला था, फिर उसमें पिंक बॉल वॉर्म नामक कीट का प्रकोप देखने को मिला था, जिसकी वजह से कॉटन के जो फसल थी काफ़ी बर्बाद हुई थी, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। और यही कारण था कि सप्लाई कम होने के चलते, जो माल था वो कम होने के चलते प्राइसेस में उछाल आया था। तो इस बार पीछे की बड़ी स्थितियों को देखते हुए, 2021 के दामों को देखते हुए किसानों ने मन बनाया है कि कॉटन का बुआई का रकबा ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन किसानों को ये भी चिंता है कि अगर बाई चांस रकबा ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं इसके दाम ना गिर जाए। तो इस पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर बुआई का रकबा बढ़ भी जाता है तो कॉटन की जो प्राइजेज हैं उनमें गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि उल्टा तेज़ी ही देखने को मिलेगी। क्योंकि जो डिमांड है ग्लोबली, जो वैश्विक स्तर पर कॉटन की डिमांड है वो अच्छी खासी है। दूसरा, अभी चाइना की तरफ से खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि चाइना में जो कॉटन बेल्ट है, ज़्यादातर राज्यों में चाइना में, वहाँ पर ड्राउट कंडीशन देखने को मिली है, यानी कि मौसम ख़राब मौसम देखने को मिला है, शुष्क मौसम है, सूखा मौसम है, जिसकी वजह से कॉटन का जो उत्पादन है वहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में चाइना, जो कि कॉटन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और आयातक है, इम्पोर्टर है, वहाँ पर अगर ऐसी खबरें आती हैं और ऐसी स्थिति बनती है तो भारत के लिए एक प्लस पॉइंट होगा और भारत के किसानों के लिए भी, कि वो अपनी कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस ले पाएँ। जिस हिसाब से MCX पर अभी कॉटन ट्रेड करती नज़र आ रही है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉटन अगर 46-47 हज़ार के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आने वाले समय में 50,000 का भी लेवल दिखा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से कॉटन 44-43 हज़ार तक जाती है तो फिर कॉटन में यहाँ पे शार्प करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। ये अभी फंडामेंटल्स में थोड़ी उठापटक देखने को मिलती रहेगी कॉटन में, तो कॉटन पर अभी नज़रें बनाए रखें।